हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरे चैनल एजीटीर और आज का टॉपिक है टीडीएस ऑन इनकम टैक्स। आज हम डिस्कस करेंगे टीडीएस क्या होता है, टीडीएस किसका काटा जाता है, कब काटा जाता है और क्यों काटा जाता है। तो चलिए मेरे साथ आगे तक बने रहिए मेरे वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं हम टीडीएस क्या है। जनरली टीडीएस दो तरह का होता है। एक है टीडीएस वन इनकम टैक्स, जो कि इनकम टैक्स से काटा जाता है, और दूसरी होती है टीडीएस वन जीएसटी। मैं आज डिस्कस करूंगा सिर्फ टीडीएस वन इनकम टैक्स और इसके बाद फिर कभी डिस्कस करूंगा टीडीएस वन जीएसटी पर। तो सबसे पहले देखते हैं टीडीएस क्या है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, हमारा इनकम से जो टैक्स डिडक्ट किया जाता है, जिस सोर्स से हम इनकम करते हैं और उस सोर्स से जो टैक्स डिडक्ट किया जाता है उसे टीडीएस कहते हैं। उसके बाद जैसा देखते हैं टीडीएस कब डिडक्ट किया जाता है। वन टीडीएस डिडक्टेड, जब थ्रेशहोल्ड लिमिट क्रॉस होता है तब टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज होंगे कि हमारा इनकम टैक्स कट गया है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखे हैं कि बोलते हैं कि हमारा टीडीएस कट गया है, जबकि हमारा इनकम बहुत कम है। मेरी इनकम एक साल में 1 लाख है, 1,50,000 है, लेकिन मेरा टीडीएस कट गया है। तो ये लेकर बहुत कंफ्यूज है कि इनकम टैक्स और टीडीएस क्या होता है। टीडीएस एक थ्रेशोल्ड लिमिट जब आपका इनकम हो जाता है उसके बाद ही काटा जाता है। अगर आपका सैलरी इनकम है तो एक थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद आपका टीडीएस काटा जाता है। अगर आपका कमीशन का इनकम है तो आपका एक थ्रेशोल्ड लिमिट से जब क्रॉस होता है आपका इनकम, तब आपका टीडीएस काटा जाता है। तो टीडीएस और इनकम टैक्स में थोड़ा सा यही डिफरेंस है। हम आपको एक चार्ट के माध्यम से इसे और भी आगे बारीकी से समझाएंगे। तो चलिए देखते हैं। उसके बाद है व्हाट आर द टीडीएस रेट। टीडीएस रेट क्या क्या है। जैसा आपने सुने होंगे किसी का 5% कटता है, किसी का 10% कटता है, किसी का 1% टीडीएस कट जाता है। तो इसी तरह बहुत सारा वैरायटी ऑफ रेट है जो कि अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कटता है। तो आगे देखिए, मैं एक चार्ट बनाया हूँ जो कि फाइनेंशियल ईयर 2019 20 का टीडीएस रेट दिखाता है। इस पे सबसे पहला है सेक्शन, कौन सा सेक्शन के तहत टीडीएस काटा जाता है। उसके बाद है नेचर ऑफ पेमेंट फॉर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, कौन सा नेचर के लिए टीडीएस काटा जाता है। और उसके बाद है थ्रेशहोल्ड लिमिट, इसके मतलब है आपका कितना अमाउंट से ज़्यादा इनकम जनरेट होने के बाद टीडीएस काटा जाता है। उसके बाद है इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली परसेंटेज, इंडिविजुअल का कितना टीडीएस काटा जाता है, कितना परसेंटेज टीडीएस काटा जाता है। उसके बाद है अदर्स परसेंटेज, मतलब अदर्स का कितना परसेंटेज काटा जाता है। ये अदर्स कौन कौन होता है। अदर्स में जैसा कि कोई सोसाइटी हो गया, कोई कंपनी हो गया है, कोई बैंक हो गया है जिनकी इनकम जनरेट होता है, तो उसके टीडीएस कितना काटा जाता है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा 192 सेक्शन के बारे में, जो कि सैलरी इनकम है। यहाँ पर देखिए 192 पहला सेक्शन है और नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, सैलरी, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट बोलता है एस पर आईटी स्लैब मीन्स एज पर इनकम टैक्स का स्लैब। इनकम टैक्स के हिसाब से जित जो स्लैब दिया है इंडिविजुअल का, उसकी इनकम अगर उससे ज़्यादा है तभी इसकी टीडीएस कटेगा, टीडीएस या इनकम टैक्स कटेगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा है एज पर आईटी स्लैब। मान लीजिए 2019-20 का इनकम टैक्स स्लैब दिया है एक इंडिविजुअल का, अगर
250,000 अबव होता है तो उसकी इनकम टैक्स कटता है। सेम चीज़ को ही हमें TDS के लिए भी फॉलोअप करना है। अगर किसी पर्सन का एक साल में 250,000 से ऊपर की सैलरी है तो उसकी TDS कटता है। ये TDS कब कटता है? जब उनकी सैलरी हम लोग डिसबर्स करते हैं तो उससे कुछ परसेंटेज या फिर कुछ अमाउंट एज ए TDS काट लेते हैं। तो मैं इसको एक चार्ट के माध्यम से आपको और भी अच्छा से दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए एक चार्ट बनाया हुआ है, इसमें टैक्स लाभ फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920, उसके बाद देखिए इनकम टैक्स लाभ फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लेस देन 60 ईयर ओल्ड। ये टैक्स लाभ जिसका एज लेस देन 60 ईयर है उसके लिए है और इंडिविजुअल के लिए है। तो सबसे पहला यहाँ पर इनकम अप टू 250,000, अप टू जिसकी इनकम 250,000 है उसका बोलते हैं निल, कोई टैक्स नहीं देना होगा। आप थोड़े कंफ्यूज होंगे कि फाइनेंशियल ईयर 1920 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था कि जिसकी इनकम अप टू 5 लाख तक की है उसे अब इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप थोड़े कंफ्यूज होंगे, ये डिक्लेरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो दिया है इसकी बेनिफिट हमें अंडर सेक्शन 87A की तहत मिलेगी। अब 87A क्या है इसके लिए आप मेरे वीडियो का लिंक ऊपर दिया गया है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। 87A की तहत इसकी बेनिफिट मिलती है अप टू 5 लाख तक। अदरवाइज हमारा टैक्स लाभ एज इट इज है 250,000 तक की, जिसकी इनकम है उसका निल। उसके बाद 250,000 से 5 लाख तक की जिनकी इनकम है उसको 5% देना है, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में जिसकी इनकम है उसे 20% देना है, और जिसकी इनकम अबाउट 10 लाख है उसे 30% की इनकम टैक्स देना है। यही स्लैब के हिसाब से हमें TDS भी डिडक्ट करना होता है। मान लीजिए किसकी का सैलरी है मंथली 20,000, तो यहाँ पर हम लोग 20,000 लिखते, कितने मंथ का, एक साल का सैलरी है 12 मंथ का, तो 20,000 इंटू 12 इसकी एक साल की इनकम होता है 2,40,000। तो अगर इस केस में हम लोग कोई TDS डिडक्ट नहीं करते तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इनका इनकम एक साल का सैलरी होता है 2,40,000 ओनली। अगर इसका इनकम मान लीजिए 25,000 है तो इसका टोटल इनकम बन जाता है 30,000। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया है, अप टू 2,15,000 तक का निल है, इसका कोई TDS डिडक्ट नहीं करना है या फिर इसे कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। अब इस केस में क्या है, यहाँ पर 25,000 मंथली सैलरी है और उसका टोटल इनकम बन रहा है एक साल का 3 लाख, इस केस में उसका TDS हम डिडक्ट कर सकते हैं। तो TDS हम कब डिडक्ट करना है, जब हम उसका मंथली सैलरी रिलीज करेंगे, जैसा कि 25,000 हम रिलीज करेंगे इससे हम लोग TDS डिडक्ट करके रिलीज कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि सैलरी से TDS कैसे डिडक्ट करते हैं एज पर IT स्लैब क्यों बोला गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ और सारे पॉइंट दिया है, जैसा सरचार्ज 10% ऑफ इनकम टैक्स, जिसकी 50,000 से 1 करोड़ तक की इनकम है उसको 10% एडिशनल सरचार्ज देना है, और जिसकी 1 करोड़ से ज़्यादा है उसको 15% की सरचार्ज देने हैं, और इसके साथ एडिशनल और क्या पेमेंट करना होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन फीस 4% ऑन इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के ऊपर पे 4% एजुकेशन एंड हेल्थ फीस देना पड़ता है। उसके बाद के सेक्शन हम देखते हैं, उसके बाद के सेक्शन क्या बोलते हैं, उसके बाद के स्लैब देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, 192A प्री मैच्योर विड्रॉवल फ्रॉम EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से, अगर आप प्री मैच्योर, आपकी मैच्योर होने से पहले अगर आप कुछ पैसा विड्रॉ करते हैं, वो पैसा कितने अमाउंट तक है,
50,000, मतलब 50,000 से ज़्यादा अगर कुछ आप विड्रॉ करते हैं तो आपको आपका 10% TDS डिडक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए क्या है, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 10,000, और TDS कितना डिडक्ट करेंगे इससे, 10%। इंडिविजुअल का भी सेम है 10% और अदर का भी सेम है 10%। उसके बाद देखिए अंडर सेक्शन 194 है। अंडर सेक्शन 194 में क्या है, डिविडेंड, डिविडेंड की कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। अगर आपकी इनकम 2,000 भी एज ए डिविडेंड जनरेट होता है तो भी आपका 10% TDS डिडक्ट हो जाएगा, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो भी, अगर आप कंपनी वाले हैं तो भी। उसके बाद है 194A इंटरेस्ट बैंक फॉर सीनियर सिटीजन ₹50,000। यहाँ पर क्या बोलते हैं, अंडर सेक्शन 194A के तहत आपकी TDS डिडक्ट किया जाता है बैंक इंटरेस्ट ऑन बैंक, मतलब है कि आपको बैंक से जो इंटरेस्ट मिलता है उससे आपको आपका TDS डिडक्ट किया जाता है अंडर सेक्शन 194 की तहत। 194A की तहत आपका बैंक से इंटरेस्ट मिलता है जो उससे TDS डिडक्ट किया जाता है। एक इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, 40,000 है इंडिविजुअल के। अगर कोई इंडिविजुअल जिसकी एज बिलो 60 है, उसकी इनकम इंटरेस्ट 1 ईयर में 40,000 अबाव है तो उसका TDS डिडक्ट करेंगे। कितना परसेंट डिडक्ट करेंगे, 10% अगर इंडिविजुअल है। अगर अदर है तो भी उसका 10% TDS डिडक्ट करेगा। उसके बाद देखिए 50,000, 50,000 किसके लिए है, 50,000 सीनियर सिटीजन जिसकी एज 60 ईयर अबव है और उसका 1 साल इंटरेस्ट रिसीव करते हैं बैंक से अबव 50,000, तो उसका 10% TDS डिडक्ट कर लिया जाता है। मैं इसको एक कैलकुलेशन शीट के द्वारा आपको और भी क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने एक कैलकुलेशन शीट बनाया है, फाइनेंशियल ईयर 1920 इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक्स बाई सीनियर सिटीजन, सेक्शन 194A। इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 40,000, जो इंडिविजुअल लेस देन 60 ईयर के है और जिसका एज अबव 60 ईयर है उसका थ्रेशोल्ड लिमिट है 50,000। यहाँ पर देखिए मैं एक एग्जाम्पल के तहत आपको इसको समझाता हूँ। मान लीजिए आप यहाँ पर 2 लाख रुपीस जमा करते हैं बैंक पर 1 ईयर के लिए और जिसकी इंटरेस्ट रेट है 8% और आपको बैंक से इंटरेस्ट मिलता है 16,000, तो आपको इस अमाउंट पर कोई TDS डिडक्ट नहीं होगा आपका। उसके बाद देखते हैं अगर आप मान लीजिए 4 लाख जमा कर रहे हैं तो आपका इनकम मिलता है कितना, 32,000। आपको इस अमाउंट पे भी कोई TDS डिडक्ट नहीं होगा। अगर आप जमा करते हैं 5,50,000 तो आपका बैंक इंटरेस्ट रिसीव होता है 44,000। आपका इस अमाउंट से TDS डिडक्ट कर लिया जाता है, कितने परसेंट, 10%। देखिए यहाँ पर TDS का अमाउंट आ चुका है, 10% कितना होता है, 4,400। आपको इस अमाउंट पर TDS देना होगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, डरते हैं कि बैंक पे अगर हम पैसा जमा करेंगे तो उससे हमारा इनकम टैक्स काट लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर बैंक में जमा करेंगे कोई पैसा, आपका फिक्स डिपॉजिट करेंगे, तो उससे आपका इनकम टैक्स नहीं काटेंगे। उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको 1 साल में, और वो इंटरेस्ट अगर 40,000 अबव होगा तो इस केस में आपका 10% TDS कटेगा, जो कि इंटरेस्ट से ही कटेगा, ना कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट से, ना कि आपने जो पैसा जमा किया है उससे। इसके बाद दूसरा चार्ट देखिए, यहाँ पर मैंने सीनियर सिटीजन के लिए बनाया है, तो यहाँ पर भी मैं एग्जांपल के तहत आपको बोलता हूँ। अगर मान लीजिए आपने 3 लाख रुपये अगर कोई सीनियर सिटीजन ने जमा किया है 1 साल के लिए और उसका इंटरेस्ट रेट 8.5 है,
तो उसको बैंक इंटरेस्ट मिलता है 25,500। इस केस में उसे कोई टीडीएस उसका डिडक्ट नहीं होगा। अगर वो 6 लाख रुपये जमा करते हैं तो उसे कितना मिलता है, 51,000 इंटरेस्ट मिलता है। इस केस में उसका 51,000 का ऊपर में 10% बैंक टीडीएस काटता है। कितना काटता है, 5,100। किसके ऊपर पे, 51,000 के ऊपर पे 10% काटता है 5,100, जो कि टीडीएस होता है। तो आप शायद अभी आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि बैंक आपका जो पैसा आप जमा करते हैं उसके ऊपर वे कोई टीडीएस नहीं काटता है। बैंक जो इंटरेस्ट आपको देता है, आपका जो बैंक इंटरेस्ट जनरेट होता है एक साल में, उसी का ऊपर पे आपका टीडीएस कटता है। नेक्स्ट सेक्शन देखिए, 194B, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, 10,000, और टीडीएस रेट क्या है, 30%। ये इंडिविजुअल के लिए भी है और अदर के लिए भी है। मान लीजिए आप अगर कोई लॉटरी विन करते हैं और सपोज 20,000 विन करते हैं, तो उसका टीडीएस क्या होगा, 30%। 30% कितना होगा, 6,000 रुपीज़ आपका टीडीएस आपका डिडक्ट किया जाता है। उसके बाद देखिए 194BB, विनिंग फ्रॉम हॉर्सेस, सेम एज इट इज है। यहाँ पर भी 10,000 से ऊपर अगर आपका इनकम होता है तो 30% टीडीएस कट जाता है, और अदर देन के लिए सेम है। उसके बाद देखिए सेक्शन 194C, एक इसके लिए है कॉन्ट्रैक्टर, और इसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, 30,000, और इसका टीडीएस रेट क्या है, इंडिविजुअल के केस में है 1%, अगर कोई कंपनी और सोसाइटी है तो इसके केस में है 2%। उसके बाद है 194D, इंश्योरेंस कमीशन, इट मींस इंश्योरेंस एजेंट कमीशन। अगर उसकी इनकम 15,000 से अबव है तो इंडिविजुअल के केस में 5% और अदर्स के केस में 10%। उसके बाद है 194F, रीपर्चेस यूनिट बाई म्यूचुअल फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड के रिपर्चेज करते हैं, इसमें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। अगर आप 1 रुपीज़ या फिर 1,000 के भी करते हैं तो आपके 20% का टीडीएस डिडक्ट हो जाता है, सेम एज इट इज इंडिविजुअल का और अदर्स का भी। उसके बाद देखिए 194G, कमीशन लॉटरी। आप लॉटरी के माध्यम से कोई कमीशन अर्न करते हैं जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 15,000, और इसमें भी आपका 5% टीडीएस कटता है, इसकी इंडिविजुअल और अदर्स के सेम है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 194I, रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, 2,40,000। फाइनेंशियल ईयर 1920 में ये थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाकर 2,40,000 कर दिया गया है। फाइनेंशियल ईयर 1920 से पहले ये थ्रेशोल्ड लिमिट 1,80,000 था। तो इस थ्रेशोल्ड लिमिट 2,40,000 के ऊपर कितनी टीडीएस कटता है, 10%। ये इंडिविजुअल के लिए भी है और अदर्स के लिए भी है। उसके बाद है सेक्शन 194IB, नेचर ऑफ पेमेंट, रेंट बाय इंडिविजुअल, और थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, 50,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ, जिसकी टीडीएस रेट है इंडिविजुअल के केस में 5%। उसके बाद देखिए सेक्शन 194J, प्रोफेशनल फी या फिर टेक्निकल फीस। अगर आपकी कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंसी है जिसकी आप प्रोवाइड करते हैं, और इस केस में टीडीएस की रेट है, थ्रेशोल्ड लिमिट है 30,000, और अगर आप इंडिविजुअल है तो 10%, या फिर अदर्स है तो 10%, सेम एज इट इज कटता है। आई होप आपको आज का वीडियो, आज का इन्फॉर्मेशन बहुत ही यूजफुल होगा। आज का वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।